और भाई जैसे बोलते हैं ना एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन, वो आपको दिखाने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो भाई पेट्रोल ऑटोमेटिक है तो एवरेज का तो बहुत कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो ऐसी गाड़ी अब तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोफाइल रहने वाली है अपनी 33x12 R22। ये 7.4 की दे रही है, 7.4 दिखा रही है अभी। टोटल मॉडिफिकेशन अगर बताऊं ना भाई, 6-6.5 लाख रुपए की भाई ने इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है। या सुनू सेड़ा बिन ड्रिप गड्डियां दे काफले आ, जेबां विच नोट भरे आ, डब्बी हथियार टंगे ने, पिस्टल ते नग जड़े आ। गड्डियां दे काफले आ, जेबां विच नोट भरे आ, डब्बी हथियार टंगे ने, पिस्टल ते नग जड़े आ। दुनिया दा कम बदनाम करे सोनिए, जग भी करे शरेआम करे सोनिए, फे मेरे बेड ते आराम करे सोनिए, पैसा डिगे पिंका च अलार्म करे सोनिए। तैनू जो लगदा मैं ओ हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हरसेंस यार। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हैं। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है भाई। जैसे कि देख सकते हो वाइट थार आपके लिए लेके आ चुके हैं। और भाई जैसे बोलते हैं ना एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन, वो आपको दिखाने वाले हैं वीडियो के अंदर। बिना किसी देर के वीडियो करते स्टार्ट और मिलवाते अपने गाड़ी के ओनर से। तो आज की वीडियो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक भाई। दीपक भाई कैसे हो? बढ़िया बताए। तो भाई गाड़ी तो यार एकदम अल्टीमेट लग रही है, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल। ऐसी गाड़ी अब तक मैंने नहीं देखी है भाई, सच बताऊं। और भाई व्हाइट कलर के अंदर ना बहुत ही कम मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलती है थार के अंदर। वो सी लोग ब्लैक में और रेड में ज़्यादा कराते हैं। तो भाई सबसे पहले तो बात करें तो गाड़ी को कितने दिन हो गए लिए हुए? ब्रदर अब तो ये काफ़ी टाइम हो गया, अराउंड 6 मंथ्स हो गए हैं। और वाइट कलर की बात करें तो वाइट कलर मेरा फेवरेट है और इसमें स्क्रैचेस भी नहीं दिखते हैं। ब्लैक ट्रेंड है बट उसमें स्क्रैचेस मेंटेनेंस ज्यादा है, इसलिए थोड़ा व्हाइट कलर के। तो ये अपनी 4x2 रहने वाली है? हाँ 4x2 है। 4x2 पेट्रोल ऑटोमेटिक। पेट्रोल ऑटोमेटिक, हाँ जी। तो भाई पेट्रोल ऑटोमेटिक है तो एवरेज का तो बहुत कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। एवरेज वगैरह अच्छा दे दे और बाकी इतने बड़े बड़े वाले व्हील्स वगैरह लगवा रखे हैं तो एवरेज वैसे भी डाउन रहने वाली है। प्रॉपर भाई फ्रंट से अगर एक बार स्टार्ट करें तो फ्रंट में क्या क्या चीज चेंज रहने वाली है बताना चाहो एक बार? भाई फ्रंट में इसकी मैंने ये रूबिकॉन ग्रिल लगवाई है, 7 स्लॉट है ये, ठीक है। और वही इसका अपना बंपर है, बंपर है, हेडलाइट प्रॉपर रहने वाली है, हेडलाइट्स की सारी DRL दूसरी चेंज कराई है कलर्स। और बाकी नीचे अपना फॉग लाइट वगैरह, फॉग लाइट्स भी हैं। इसके नीचे वो स्किड प्लेट भी लगवा दी थी मैंने, ये देखो। हाँ वो भी सेम कलर में, नियॉन में, ठीक है। तो भाई ये कॉम्बिनेशन कहाँ से सोचा कि मतलब कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन है? ब्रदर सब रेड एंड ब्लैक एंड ब्लू में जा रहे थे तो थोड़ा सा टाइम लगा, वो शेड कार्ड देखा मैंने और उससे चूज किया नियॉन कलर। अच्छा ब्राइट कलर है, यंग कलर है, काफी अट्रैक्टिव लगती है दूर से भी गाड़ी। रिएक्शन वगैरह जैसे कि भाई रिएक्शन वगैरह कैसे आते हैं? रिएक्शन तो इतने हैं कि आप रोड साइड चल रहे हो ना तो मतलब बाइकर्स तो गाड़ी रोक ही लेते हैं और पूछते हैं भाई टायर्स कहाँ से लिए, अलॉयज कहाँ से लिए, क्या काम करा। मस्त लग रही है एकदम, मस्त मस्त। कार्स वाले भी अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स वगैरह काफी अच्छा रहता है, अच्छा। तो भाई फ्रंट में जो अपना काम वगैरह कराया है ये कहाँ से कराया आपने? ये काम तो मैंने दिल्ली से ही कराया है, अपना कार स्टाइलिंग से कराया है। अच्छा कार स्टाइलिंग से कराया, ठीक है ठीक है। बाकी देख सकते हो साइड में अलॉय व्हील्स वगैरह काफी बड़े बड़े रहने वाले हैं। तो एक बार प्रोफाइल वगैरह बता दूं आपको इनकी, तो ये प्रोफाइल रहने वाली है अपनी 33x12 R22। 22 इंची के प्रॉपर अपने अलॉय व्हील्स वगैरह रहने वाले हैं। तो भैया ये भी दिल्ली से डलवाए थे? हाँ ये भी दिल्ली से है, हेडा के टायर्स हैं ये 22 इंची के, ठीक है। ऑफ रोडिंग लुक्स के हैं सारे ये टायर्स और प्रेस्टिज का मेरा ये अलॉय है। तो क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ गई? अराउंड 1.6 के मेरे अलॉयज थे, ठीक है। और 14,000 का एक टायर था मेरा, ठीक है। हाँ तो अपना ये रहने वाला है भाई, अपना मोटा मोटा मान लो 2.5 लाख रुपए। हाँ हाँ इतना चला गया था, ठीक है। और जो इसके साथ टायर और अलॉय आए थे वो एडजस्ट हो जाता है उसमें? अच्छा अच्छा उसी में एडजस्ट कर लिया। हाँ, उसमें एडजस्ट कर लिया था उसमें। बाकी ये देख सकते हो। तो भाई सस्पेंशन वगैरह भी कुछ स्पेसर वगैरह लगवा रखे? नहीं स्पेसर नहीं लिया क्योंकि वो इतना कामयाब नहीं है इसमें, उसमें प्रॉब्लम आती जाती है तो इसमें इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है ठीक है। बाकी देख सकते हो बॉडी से एक बार दिखाऊं आपको तो कितने बाहर निकले हुए टायर हैं ये देखो। बाकी भाई ये फेंडर वगैरह ये काफी जब बाहर निकल जाता है ना, जब हल्का फुल्का ब्रेकर पे ऊंचे नीचे थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो बाकी ऐसी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ नहीं रही गाड़ी में।
ओके बड़े टायर्स की वजह से। और बाकी ये देख सकते हो ऊपर भाई ने, तो ये प्रॉपर इंडिकेटर रहने वाले हैं या फिर लेजर? ये प्रॉपर इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, इंडिकेटर्स के साथ फ्लैश लाइट भी है, फॉग लाइट समझ लो, कुछ भी, रात के टाइम काफी बेनिफिट है। फ्लैशर्स वगैरह ना, हां हां बाकी ऊपर भी लाइट्स हैं, रूफ वगैरह में भाई ने लगवा रखे हैं। स्टेलर का मैंने अपना ये कैरियर लगवाया था, ये भी थोड़ा सा स्मार्ट है, ये भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे कैरियर वगैरह आया तो कहीं अपना रोड ट्रिप वगैरह ऐसा कुछ करते हो? हाँ बिल्कुल, जाते हैं ना इसपे, इसमें सारा लगेज आ जाता है, उसको नोट कर लो और अपना निकल जाओ जहाँ जाना है, कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सॉलिड है ये। ठीक है ठीक है। बाकी ये देखते हो रियर व्हील ड्राइव की बैजिंग RWD जैसे की महिंद्रा देती है, तो ये आपने चेंज नहीं कराई? नहीं, बहुत से बंदे इसको चेंज करा लेते हैं, इसको चेंज करा लेते, 4x4 लगवा लेते हैं, लगवा लेते हैं, बट लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है ना? कोई फायदा नहीं। लेकिन इससे पता चलता है कि भाई 4x2 में भी इतनी अल्टीमेट मॉडिफिकेशन हो सकती है, इस देख सकते हो। बाकी रियर प्रोफाइल वगैरह दिखाऊं तो रियर प्रोफाइल में अपने टेल लाइट, रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीजें चेंज रहने वाली हैं। सारी चेंज है, मैं ऑन करके दिखाता हूं आपको, एक बार आपको दिखाते हैं। तो ये देखो इंडिकेटर वगैरह कुछ इस तरह से रहते हैं, बाकी ये इसकी सीक्वेंशियल, ये देखो कुछ इस तरह से इसकी लुकिंग वगैरह रहने वाली है। बाकी गाड़ी का अल्टीमेट लुक वगैरह निकल के आ रहा है, रियर प्रोफाइल भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। बाकी नीचे नंबर वगैरह जैसे कि देख सकते 7878, तो भाई नंबर लिया हुआ है? हाँ, नंबर मेरी सारी कार्स का 7878 है। तो क्या कॉस्टिंग वगैरह, क्या पर्ची वगैरह कट जाती है इसकी? इसकी पर्ची देखो, आपके टाइम पे जब आपने गाड़ी ले रहे हो तो आपके पास नंबर अवेलेबल होना चाहिए, तो अगर अवेलेबल है तो 30-35,000 का पड़ता है, अदरवाइज अवेलेबल नहीं है, स्पेशल कर लेना है तो आपको 50,000-75,000 जैसे ब्लैक में मिल जाए तो वही है। ओके ओके, बिडिंग वाला सीन है? हाँ बिडिंग वाला सीन है। ठीक है ठीक है। बाकी एक्सटीरियर से तो आप लोगों ने गाड़ी देख ली कितनी अल्टीमेट लग रही है, अब आपको इंटीरियर वगैरह दिखाने वाले हैं, तो दीपक भाई एक बार गाड़ी के अंदर बैठो। हाँ श्योर। जैसे कि मैंने बताया ना भाई, बिल्कुल अल्टीमेट रहने वाली वीडियो, ऐसी गाड़ी अब तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, और खासकर अपने चैनल पर रहने वाली है। ये देख सकते हो इंटीरियर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट, ये देखो प्रॉपर कस्टमाइज जैसे बोलते हैं ना, प्रॉपर मॉडिफिकेशन वो रहने वाली है। बिल्कुल जी। तो दीपक भाई एक्सटीरियर से भी इतनी खतरनाक और इंटीरियर भी इतना सुंदर, प्यारा, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, इसको बोलते हैं ना प्यारा इंटीरियर एकदम। तो भाई टाइम में आपको देखेगा नहीं, बट ये रूफ लाइट्स में लाइट्स हैं, स्टार लाइट्स हैं। ठीक है। और सारी डोर में लाइट्स हैं, स्पीकर्स में लाइट्स हैं, स्पीकर्स में भी नीचे एक तरफ लाइट वगैरह है। हाँ। वो मैं बीच में क्लिप वगैरह डाल दूंगा, वो आप देख लेना। हाँ। तो अपना नाइट का क्या रिस्पांस वगैरह रहता है अपने स्टार लाइट का और अपने स्पीकर लाइट वगैरह जैसे कि भाई बता रहे हैं। हाँ। तो एक बार गाड़ी के बैठ जाते अंदर। तो दीपक भाई इंटीरियर कहाँ से कराया था इसका? इंटीरियर ब्रदर मैंने कार स्टाइलिंग से करवाया। ठीक है। और उसकी कॉस्ट आपको बता ही दिया मैंने, अराउंड 2,30,000 कॉस्ट आई थी। अच्छा, टोटली 2,30,000। हाँ, इंटीरियर प्लस कैरियर, कैरियर है और थोड़ा बहुत एक्सटीरियर है जो उनका, अराउंड 2,30,000 दिया था मैंने। 2,30,000 लग गए थे बाइक है ना। हाँ, ग्रैब हैंडल सारे इंक्लूडेड है, ये चीजें ये देख सकते हो। पीछे आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट नहीं है गाड़ी में, नॉर्मल कार में तो आप आर्मरेस्ट ले सकते हो। पीछे दोनों साइड आर्मरेस्ट है, ग्लास होल्डर्स हैं, चार्जर्स हैं, चार्जर स्लॉट्स हैं, और पीछे की सीट पे मैंने बैक साइड में अपना उसमें सामान रखने के लिए पॉकेट्स बनवाई हैं, तो अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है। सारा मतलब सब लग्जरी लुक, लग्जरी लुक लाने के लिए पियानो ब्लैक करवाया हमने, देख सकते हो ये पियानो ब्लैक करवाया, कलर ये हैंडल पियानो ब्लैक कराया, ये सब मैट में आते हैं। हाँ, ये डोर ओपनिंग डोर सारा ये पियानो ब्लैक कराया हमने, ये हाइड्रो डिपिंग वगैरह थोड़ी बहुत। तो बाकी एक बार आपने चला कितनी दी भाई ये जब से लिए? भाई 5,000 चल गई, अराउंड 5,000 चल गई। और अभी एवरेज वगैरह क्या दिखा रही है? एवरेज तो यार 7-8 की देती है ये। 7-8 की देती है? हाँ, ये 7.4 की दे रही है, 7.4 दिखा रही है अभी। एवरेज का इशू है पेट्रोल में, बट पिकअप बहुत है इसका, 2000cc का इंजन है और डीजल में कम होता है, इसकी टॉर्क वगैरह ज्यादा है, पिकअप बहुत अच्छा है। अगर आप माइलेज पे नहीं जाओगे तो पेट्रोल में ज्यादा स्मूथनेस है गाड़ी चलाने में, आपको फील आएगा कि आप कुछ चला रहे हो। बाकी तो बुलिश लुक है ही चलाने में इसको, बाकी तो भाई जब रोड पे निकलती है तो अल्टीमेट रिएक्शन वगैरह आता है, उससे पैसे लगते हैं कि हाँ भाई पैसे वसूल है। भाई 1 करोड़ की कार को में बैठो आप और 20 लाख की गाड़ी में बैठी लोग पूछ रहे हैं तो आपके वसूल हो गए ना। बाकी ऑटोमेटिक जैसे कि भाई लिए तो भाई कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है? कोई इशू नहीं है, ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया फंक्शन कर रही है। इससे पहले आप कौन सी कार ड्राइव कर रहे थे? मैं एंडेवर कर रहा हूँ और किया कैरेंस कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरे को तो जब से ये लिया मैं वो कार सारी मिट्टी पड़ी है यार उसमें,
उनको चलाने का ही मन चलाने का ही मन नहीं करता है। आगे हालांकि मैंने एंडेवर भी बहुत अच्छी बना रखी है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है उसकी, बट इसको चलाने के बाद थार है इसके आगे कुछ नहीं भाई, अल्टीमेट लगती है एकदम। और जब से भाई महिंद्रा ने वाला कलर लॉन्च किया है ना व्हाइट के लिए क्रेजी हुए हैं लोग, क्रेजी हैं भाई। मैंने इसके ऊपर पीपीएफ भी चढ़वाया हुआ व्हाइट कलर के ऊपर भी, अच्छा हाँ, ताकि आपका स्क्रैच ना लगे कार पे, उसकी भी मैंने अलग कॉस्ट पे करी थी। अच्छा हाँ, कि कुछ डैमेज होता है तो पेंट पे डैमेज ना हो, पीपीएफ चढ़वाया था मैंने। बाकी जैसे कि सामने देख सकते हैं तो अपना स्टीरियो वगैरह भी चेंज है। हाँ बिल्कुल, हाइपरसोनिक का स्टीरियो है, हाइपरसोनिक का रहने वाला है इसमें। अपना JBL के स्पीकर्स लगाए हुए मैंने। अच्छा हाँ, और सारा टच स्क्रीन है ये देखो। बाकी इसका रेस्पॉन्स वगैरह आउटपुट वगैरह भी आपको सुनवाते हैं, फिर आप नीचे कमेंट वगैरह करके बताना आउटपुट वगैरह कैसा निकल के आ रहा है। आउटपुट भी अच्छा है इसका, मैंने वूफर भी लगवाया हुआ है इसमें। ओके, सब वूफर भी है और बेसिकली ये सारा टच स्क्रीन है तो काफी बेनिफिट आ जाता है। आउटपुट वगैरह काफी अच्छा खासा निकल के आ रहा है भाई, जैसे कि देख रहे हो। बाकी वीडियो में कम पता चलता है, बंदा सामने सुने तो एकदम अल्टी, लाइव में ज्यादा पता लगता है कि काफी अच्छा आउटपुट है इसका। तो कंपोनेंट को एक्सेल वगैरह आपने सारी चीज चेंज करा रखी है ना? सारी एवरीथिंग चेंज करा रखा है इस गाड़ी में, जो आया था उसमें कुछ नहीं दिखेगा, कोई स्टॉक नहीं है, कुछ नहीं, सब अपग्रेडेबल है, सब अपग्रेडेबल है। तो पीछे सब वूफर वगैरह लगवा रखा है? सब वूफर लगवाया हुआ है। ठीक है, कौन सा रहने वाला है? वो हाइपरसोनिक का ही सब वूफर है। मैंने दो एम्पलीफायर्स लगवा रखे हैं, कंपोनेंट्स को मैंने अलग एम्पलीफायर दिया हुआ है जो JBL के हैं, और सब वूफर को एक डिफरेंट एम्पलीफायर दिया हुआ है 4 चैनल्स का। और आपको मैं दिखाता हूँ अभी, सीट के नीचे दोनों एम्पलीफायर है, अगली सीट के नीचे ये रहने वाले हैं भाई अपने एम्प वगैरह, जैसे कि भाई बता रहे हैं। बाकी थार में थोड़ा सा स्पेस की इश्यू रहता है, बाकी ये देखो थार के हिसाब से वूफर बना हुआ है, ये बन के आता है, स्पेशल थार के साइज के हिसाब से आता है बिल्कुल, ये देख सकते हो। तो इसका आउटपुट वगैरह आपने सुन लिया, काफी अल्टीमेट। ये मैंने सीट पॉकेट्स बनवाई थी, ये देखो जैसे कि भाई बता रहे हैं कुछ अपना सामान रखने के लिए सामान रखने के लिए। बाकी ओवरऑल कॉस्टिंग की अगर बात करें भाई, ओवरऑल मतलब कितने पैसे लगा दिए अब तक इसमें, ऐसा कुछ मोटा मोटा अंदाजा बता दो। मोटा मोटा यार अराउंड 5 प्लस लग गए, 5 लाख से ऊपर लग गए। हाँ, ऊपर लग गए सारी चीजें अकाउंट, क्योंकि 2.5 लाख रुपए के अलॉय हो गए, 2-3 का इंटीरियर बता रहे हो, बाकी छुटपुट छुटपुट जो कराई है वो अलग है। म्यूजिक सिस्टम है अराउंड 95,000 मैंने म्यूजिक सिस्टम वाले को दिए थे, क्योंकि 27,000 की तो टच स्क्रीन है। और JBL के स्पीकर्स जो हैं आपके कंपोनेंट्स वही थे 18,000 के, और ये वूफर ही 14,000 का जो बन के आता है, और इसके जो दोनों एम्पलीफायर्स हैं वो 16,000 ईच है। तो आप तो ये तो 6 लाख रुपए से भी ऊपर का सामान। हाँ, वो म्यूजिक सिस्टम को अलग कर दो, म्यूजिक सिस्टम तो यार सिस्टम टोटल मॉडिफिकेशन अगर बताऊँ ना भाई, 6-6.5 लाख रुपए की भाई ने इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है, और मॉडिफिकेशन जो करा रखी है पैसा वसूल है, बिल्कुल बिल्कुल पैसा वसूल है अल्टीमेट एकदम। हाँ, मतलब कहीं भी जाओ, कोई भी बैठे, कोई भी फ्रेंड सर्कल हो, आप बिल्कुल यूनिक दिखोगे, बिल्कुल यूनिक है। और ऐसा नहीं है, थार 4x4 में कामयाब है, 4x2 में भी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पिकअप बहुत अच्छा है इसका, माइलेज है एक माइनस पॉइंट, बट गाड़ी चलाने में स्मूथनेस है, स्मूथनेस है, पिकअप काफी अच्छा है, पिकअप 2000cc का इंजन है, बढ़िया। बाकी डीजल में शायद 1.5 लीटर का आता है। हाँ, 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है, 1500cc का है, उसमें बस वो 4-व्हील ड्राइव है, आप उसे ऑफ रोडिंग में जाते हो 4-व्हील ड्राइव कर रहे हो आप, और कोई फर्क नहीं है। आगे ऑफ रोडिंग वगैरह करनी नहीं है, क्योंकि टायर वगैरह जो भाई ने ऐसे लगवा रखे हैं, नहीं ऑफ रोडिंग इन टायर्स में भी होती है, बट अपना अपना क्रेज है, जाता रहता हूँ मैं, ऐसा नहीं, उदयपुर गया हूँ मैं, और इसको लेके मैं अरावली यहाँ चला जाता हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है, पावर बहुत है गाड़ी में। हाँ, जैसे कि आप बता रहे हो डीजल से ज्यादा मजा आता है, अरे बहुत मजा भाई साहब, जिसको माइलेज की प्रॉब्लम नहीं है गो फॉर द पेट्रोल। बाकी गाड़ी आप लोगों ने देख ली, गाड़ी कैसी लग रही है, बाकी आप मुझे नीचे कमेंट वगैरह करके बता देना भाई गाड़ी के लुक्स वगैरह, गाड़ी कैसी लग रही है। दोनों डोर्स खोल के देखो आप, फिर लुक आगे देखो इसकी, आगे से आप इसकी फोटो लो, ये देखो
एक तो भाई थार है ही इतनी चौड़ी गाड़ी, ऊपर से भाई वाइडनेस अल्टीमेट। ये देखो इंडिकेटर वगैरह चारों अपने जल जाते, पार्किंग लाइट वगैरह कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स रहने वाला है, एकदम अल्टीमेट लग रही है भाई। जब गाड़ी में टायर इतने चौड़े डलवा दो ना, खतरनाक और वाइड लगने लग जाती है। एक तो थार हैवी काफी ज्यादा वाइड काफी। बाकी ये थी अपनी एक छोटी सी वीडियो, वीडियो वगैरह कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बिगर मत जाना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, बाय बाय। ओके थैंक यू दीपक भाई। थैंक यू ब्रदर। ओके।